फ्रैक्चर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। फ्रैक्चर यानी अस्थि भंग, यानी कि बोन के कंटिन्यूटी में ब्रेक को फ्रैक्चर बोलते हैं। और मल्टीपल यानी एक से अधिक टूटना, ठीक है, मल्टीपल एक से अधिक टूटने को मल्टीपल फ्रैक्चर बोलते हैं। कई हड्डियों का एक साथ फ्रैक्चर जो है मल्टीपल फ्रैक्चर कहलाता है, ठीक है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण जो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है बोन की एक बीमारी है जिसमें हड्डियां कमजोर और ब्रिटल हो जाती हैं, जिससे हड्डियां टूटने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। ब्रिटल यानी उसका टूटने का जो टेंडेंसी होता है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रिटल। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं जिससे कि बोन डेंसिटी जो है उसका कम हो जाता है और इजिली टूट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी यानी मैलिग्नेंसी रेफर्स टू कैंसर। यदि बोन कैंसर है तो भी मल्टीपल फ्रैक्चर होने के चांस है। नेक्स्ट है ओवर एक्सपोजर टू विटामिन ए। विटामिन ए से ज्यादा एक्सपोजर होने के कारण भी मल्टीपल फ्रैक्चर हो सकता है। नेक्स्ट है सेरिब्रल पैल्सी। सेरिब्रल पैल्सी यानी ब्रेन डेवलपमेंट जो है कम होना, ठीक है। सेरिब्रल पैल्सी जो है ब्रेन डेवलपमेंट कम होने के कारण सेरिब्रल पैल्सी हो जाता है। पैल्सी यानी पैरालिसिस, ठीक है। और ये अक्सर जो है चाइल्ड बर्थ से पहले ही होता है, ठीक है। बोन सॉरी ब्रेन का जो डेवलपमेंट है गर्भावस्था में कम होने के कारण प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद सेरिब्रल पैल्सी होने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक। इसके बाद है लक्षण। लक्षण में सबसे पहले है मल्टीपल फ्रैक्चर होगा तो क्या होगा, सबसे पहले सूजन होगा, ठीक है। टेंडरनेस अराउंड इंजरी यानी कि जहां पर चोट लगा है उसके आसपास का जो एरिया है वो सॉफ्ट हो जाएगा और खून निकलने लगेगा, ठीक है। टेंडर होने के कारण खून निकल सकता है और डिफॉर्म्ड यानी कि विकृत हो जाएगा। बोन टूटेंगे तो क्या होगा, बोन की वजह से हम लोगों का शरीर जो है बिल्कुल परफेक्ट दिखता है, फ्रेम्ड दिखता है। और यदि हड्डियां टूटेंगी तो क्या होगा, डिफॉर्म्ड दिखेगा यानी कि विकृत दिखेगा, ठीक है। इसका हम कैसे पता चलेगा, फ्रैक्चर्स मोस्टली एक्सरे से डायग्नोस हो जाते हैं। यदि नहीं होते हैं तो हम बोन स्कैन कर सकते हैं, बोन स्कैन से डेंसिटी बोन डेंसिटी का पता चल सकता है। सीटी स्कैन एंड एमआरआई इफ नीडेड, ठीक है, अगर ज़रूरत लगे तो। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी फ्रैक्चर होता है तो पेशेंट को हम क्या बोलते हैं, इमोबिलाइजेशन यानी बिल्कुल भी आपको हिलना डुलना नहीं है, ठीक है। उसके लिए उसके बाद यदि क्या जरूरत है तो सर्जरी करेंगे। सर्जरी करके इंटरनल फिक्सेशन या इम्प्लांट्स लगाएंगे जैसे कि स्क्रूज रॉड्स एंड प्लेट्स, ठीक है। ये सर्जरी शल्यक्रिया के द्वारा हम इम्प्लांट्स लगाएंगे। इम्प्लांट्स यानी कि इंटरनल फिक्सेशंस जैसे कि प्लेट्स रॉड्स और स्क्रूज, ठीक है।